भर्ती विज्ञापन जारी हुए, नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आज ही शुरू हुई है 11 अप्रैल 2024 से। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज है इसमें, जो भी सब्जेक्ट स्कूल लेवल में पढ़ाई होते हैं वो सभी सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। नवोदय विद्यालय संगठन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ऑब्वियसली, और इसमें ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ काम करते हैं तो उनको क्वार्टर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इन क्वार्टर्स में फैमिली भी रख सकते हैं या फिर अगर कोई बैचलर कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर रह सकते हैं। मील्स जो है मुफ्त भोजन और मुफ्त आवास की सुविधा दी जाती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी को हटा दिया जाए तो उसके अलावा आपको रहने और खाने की सुविधा मुफ्त यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है जब तक आप यहाँ काम करते हैं। पूरी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे कहाँ से एडवर्टीजमेंट है, कौन कौन से स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि कौन से राज्य में पोस्टिंग मिलेगी ये जान लेना जरूरी है। सब्जेक्ट्स क्या है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वीडियो एंड तक देखेंगे। अगर आपको लगेगा कि इन स्टेट्स में आप काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, तो वीडियो एंड तक देखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश हिंदी फिजिक्स स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स आईटी कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कॉमर्स, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या TGT, इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस तेलुगु कन्नड़ा तमिल मलयालम हिंदी फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक आर्ट कंप्यूटर साइंस एंड लाइब्रेरियन, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। तो ये TGT एंड PGT के अलावा मिसलेनियस कैटेगरी में आपको फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक आर्ट कंप्यूटर साइंस एंड लाइब्रेरियन की वैकेंसीज देखने को मिलती है। नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल है और साथ ही साथ यहाँ पर प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई नहीं होती है, मतलब 1-5 की पढ़ाई नहीं होती है, नर्सरी सेक्शन भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको प्राइमरी टीचर या प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी, केंद्रीय विद्यालय में मिलती है। ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं और इसमें जो जगह आपको मिलेगा, स्टेट मिलेगा पोस्टिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है। ये फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका केरला यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान, तो ये स्टेट हैं 4 और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें से कहीं आपको जॉब लोकेशन मिलेगी, ये हैदराबाद रीजन में है। नवोदय विद्यालय की जब भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आती है, संविदा की वैकेंसीज आती है, तो वो रीजन वाइज आते हैं। 8 रीजन्स में बटे हुए हैं नवोदय विद्यालय, 8 रीजन में। सिर्फ तमिलनाडु में स्कूल नहीं है नवोदय विद्यालय, बाकी जितने भी स्कूल हैं वो इन्हीं 8 रीजन्स में कवर हो जाते हैं। इसके पहले पुणे रीजन से कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। पुणे रीजन में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दामन एंड दीव, इन सब की वैकेंसीज जो है ना कवर हो चुकी हैं। अभी ये हैदराबाद रीजन से वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। इसमें जॉब लोकेशन आपको या तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, इनमें से कोई भी एक मिलेगा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, इनमें से कोई एक जगह आपको काम करने को मिलेगा। प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप कहाँ पर काम करना चाहते हैं। ये हो गया। अभी इसके लिए कहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट, ये देखिए लेटेस्ट सर्कुलर में, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट सर्कुलर में आप ध्यान दें, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द ईयर 2024-25, ये वाला आपको एडवर्टीजमेंट सबसे पहले क्लिक करना है, वेबसाइट पे आना है। ये वेबसाइट है हैदराबाद रीजन के, ये वेबसाइट है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें आपके रीजन से, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सपोज आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या आप ईस्ट से हैं या फिर आप नॉर्थ एरिया से हैं, आपके स्टेट की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। फिलहाल तो ये साउथ से वैकेंसीज हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए वेट करें। सिर्फ पुणे रीजन की तो निकल गई वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट की, वो तो दोबारा नहीं आएंगी अभी इस साल। बाकी किसी रीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं किसी स्टेट से, तो उस स्टेट से भी वैकेंसीज आएंगी। यहाँ पर एप्लीकेशन आप तभी करें जब आपको लग रहा है कि इनमें से किसी जगह पे आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ काम करने अगर आपको बुलाया जाए तो आप काम कर सकते हैं इन जगहों पे आके, तभी एप्लीकेशन करें, वरना आप वेट करें, आपके स्टेट से भी वैकेंसीज आएंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो जैसे ही आप वो पीडीएफ एक ओपन हो रही है, 8 पेजेस की पीडीएफ,
इस पीडीएफ में क्या लिखा है देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवीज ऑफ हैदराबाद रीजन। इसमें टीजीटी के लिए अप्लाई करने की लिंक दी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करने की लिंक दी हुई है। 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक लेटेस्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। आपको किसी एक स्कूल को विजिट करना होगा जिस स्कूल में आपको बुलाया जाएगा, इनमें से किसी स्कूल को में से ही बुलाया जाएगा। और ये सब्जेक्ट हैं, लिंक अलग अलग है, दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक्स। जिन कैंडिडेट को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको स्कूल जाना होगा इंटरव्यू के लिए, तो वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लें कि क्या क्या लेके जाना है, कैरी करना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए मास्टर डिग्री। एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार चेक कर लें, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं, जैसे फिजिक्स में फिजिक्स के अलावा अप्लाइड फिजिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शन है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायो साइंस, तो काफ़ी ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो चेक करना है। तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी एंड बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें डिजायरेबल में दिया रहता है ना, ये वाले कॉलम में, ये वाला कॉलम जो है उसको देखना जरूरी नहीं होता, उसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेजुएट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, सीटेट पेपर टू चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में चेक कर लेना होता है, क्योंकि काफ़ी सारा जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिंदी के लिए तो हिंदी ठीक है 3 साल पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, लेकिन मैथ्स के लिए थोड़ा अलग रहता है। बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो मैथ्स और फिजिक्स तो ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, साथ में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी साइंस के लिए भी कंडीशन रहता है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। और फिर इसमें बीएड सीटेट पेपर टू। सोशल स्टडीज में भी थोड़ा कंडीशन रहता है कि ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, या फिर इसमें लास्ट में दिया ना वो ठीक से समझा देते हैं कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, जिसमें कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, या सेकेंड ऑप्शन रहता है कि ज्योग्राफी विद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन विच वन मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, शॉर्ट में अगर समझे, साथ में बीएड सीटेट पेपर टू। थर्ड लैंग्वेज के लिए भी वैसे ही है, थर्ड लैंग्वेज में आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सा अलग होता है, बीसीए वाले भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस वाले भी, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले भी कर सकते हैं, सीटेट पेपर टू लगेगा, बीएड लगेगा। आर्ट टीचर के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट डिग्री होना चाहिए, डिग्री इन फाइन आर्ट या फिर क्राफ्ट वाले, बीएफए वाले, या फिर अगर आपने बीएड किया हुआ है फाइन आर्ट में तो भी चलेगा। फिजिकल एजुकेशन में बीपेड काफी होता है अप्लाई करने के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, तो ये हो गया। एज लिमिट इसके लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं, कहीं आपने ऑलरेडी काम किया और रिटायर्ड हो गए, या कई लोग अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए 65 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 65 साल तक के रिटायर्ड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो 50 ईयर्स तक के फ्रेशर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन आपको 1 जुलाई 2024 को बेस लेके कैलकुलेट करना है। सैलरी जो है वैसे 35,000-37,000 के अराउंड रहती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और हार्ड स्टेशन कुछ रहेंगे तो 42,000 के अराउंड तक सैलरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए चली जाती है। तो ये लिंक में आपको ये जो एक लिंक है, सबसे पहले आरओ पीजीटी के लिए अप्लाई लिंक है, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ अलग से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए,
आपको चार लिंक्स मिलेंगे, एक हैदराबाद रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिलेगी, दूसरी एडवर्टीजमेंट की लिंक मिलेगी, तीसरी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अप्लाई लिंक मिलेगी, चौथी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अप्लाई लिंक मिलेगी। चार लिंक्स आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करने पर मिल जाएंगे। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।